हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवर्ब क्लास में जो बचे हुए सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको पढ़ना है कि कैसे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को बनाने के लिए जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है और कैसे उनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हम लोग पढ़ रहे थे। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, इसी के बारे में जिक्र किया जा रहा था और इसमें कई सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जिक्र हो चुका है। एक है दैन, इसके बारे में जिक्र नहीं किया जा चुका है। चलिए इसके बारे में जिक्र किया जाता है कि दैन का प्रयोग हम कैसे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में करते हैं और कैसे इसके माध्यम से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनाया जाता है। तो जो स्ट्रक्चर मैं लिखने जा रहा हूँ सेंटेंस का, उस स्ट्रक्चर से आप लोगों को पहले से बखूबी वाकिफ हैं और हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। हमको समझना क्या है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कैसे देन से स्टार्ट होता है, देखते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग खूब पढ़े होंगे, नो सूनर डिड ही एंटर द क्लास, हमें पता है कि एंटर के बाद में प्रीपोजिशन इंटू का प्रयोग नहीं करना है। ये चीज़ें क्लियर हैं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो हम इंटर के बाद में इंटू का प्रयोग नहीं करते। लेकिन किसी डिबेट वगैरह में यदि जिक्र किया जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन चल रहा है और उस डिस्कशन में अगर आप शामिल होना चाहते तो वहाँ पे इंटर के बाद में इंटू का प्रयोग किया जाता है। इस फैक्ट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। नो सूनर डिड ही एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड सेंटेंस हमें इस तरह से मिला हुआ है, नो सूनर डिड ही एंटर द क्लास। एक चीज यहां पे जिक्र कर लेना है कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है जिसमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट पाया जा रहा है और यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लास है। और किस तरह का सबॉर्डिनेट क्लास है इसी पे जिक्र करना है। वो क्लास में प्रवेश किया ही नहीं था कि स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं। हमें देखना क्या है कि यहाँ पे जो ये एंटर वाला काम हो रहा है, जो प्रवेश होने का काम हो रहा है, और इसी के साथ इसके बारे में कौन मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ड को, तो देन द स्टूडेंट्स स्टूड ऑफ। ये जो यहाँ से लेकर कि यहाँ तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इस वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि ये काम कब हुआ है। ये कौन बता रहा है? देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा क्लास हो जाएगा? ये हमारा एडवर्ब क्लास हो जाएगा। हमको पता है कि जब किसी वर्ब को कोई दूसरा वर्ड मॉडिफाई करता है तो हमारा एडवर्ब होता है। लेकिन यदि कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है तो हमारा कौन सा क्लास होगा? हमारा एडवर्ब क्लास होगा। और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, इसके बारे में तो जिक्र करने की जरूरत है ही नहीं, इसमें तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हमको देखना क्या है, संडस इस तरह से एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। पूछा क्या जाता है कि ये जो नो सूनर डिड का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ में किस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है? देन, एक चीज। दूसरी चीज, जब डिड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एंटर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसको हम वर्ब के सेकंड फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे। एक चीज हो गया, दूसरा चीज देन का प्रयोग होना चाहिए। अगला चीज यह है कि ये जो डिड है केवल इस क्लास के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप सोचें कि यहाँ पे जो डिड का प्रयोग किया गया है ये इसके लिए भी काम कर रहा है तो ये गलत है। ये क्लास दूसरा है और ये क्लास दूसरा है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ध्यान देने की जरूरत क्या है कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लास है, और नो सूनर डिड प्लस प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में हम देन का प्रयोग करते हैं। ये वेल नोन है, जितने भी कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा हमें देखना है कि कभी कभी नो सूनर डिड के स्थान पर नो सूनर हैड भी आ जाता है। जैसे देखा जाए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है नो सूनर, इसी को हम मना लेते हैंड ही एंटर्ड। अब यहाँ पे एंटर्ड हो जाएगा क्योंकि हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास देन
द स्टूडेंट्स देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। हमको देखना क्या है कि यदि नो सूनर के साथ में हैड का प्रयोग किया जा रहा है तो इसके साथ में वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और इसके बाद में जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा ऐसा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि हमारा ये एडवर्ब क्लास बना रहा है तो उसके साथ में भी हम किसका प्रयोग करेंगे देन का प्रयोग करेंगे। ये हमारा पास्ट परफेक्ट में रहेगा लेकिन जो हमारा एडवर्ब क्लास रहेगा ये हमारा किस में रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस इंटर को मॉडिफाई कौन कर रहा है, यहाँ से लेकर के देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मॉडिफाई कर रहा है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा एडवर्ब क्लास है। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको और समझा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है नो सूनर डिड के स्थान पर डैश का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी सही माना जाता है, गलत नहीं होता है। हाँ, बशर्ते वो प्रेजेंट का भाव देता है या आदत का भाव देता है या फिर किसी जो रेगुलर हैपनिंग होती है उनके बारे में जिक्र करता है। जैसे कहा जाए नो सूनर, इसी सेंटेंस को मना लेते हैं, नो सूनर Does he enter the class, the students stand up. वह क्लास में प्रवेश करता है कि नहीं कि स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे हमें देखना क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट हमारा है प्रिंसिपल क्लास है और इसमें हम देख क्या रहे हैं कि ये यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है। यदि डज का प्रयोग किया गया है तो ही के साथ में इंटरेस्ट का प्रयोग होगा नहीं, इसमें यस या यस लगा नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में लड़के इसको सही मान लेते हैं, यदि यस लग जाता है तो इस पर ध्यान नहीं देते और गलत कर देते हैं। दूसरा चीज़ यह है कि जो हमारा तब एडवर्ब क्लास बनेगा यहाँ पे हमें देन का प्रयोग करना चाहिए था, देन का प्रयोग नहीं हुआ है, अब यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे। नो सूनर डज ही एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। तो नो सूनर डज के साथ में भी नो सूनर डज प्लस सब्जेक्ट के साथ में भी हम क्या लगाएंगे देन का प्रयोग करेंगे और इसके साथ में जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लास आएगा वो हमारा कैसा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नंबर में इसलिए यहाँ पे हम स्टैंड अप का प्रयोग किए हैं। थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए और समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। नो सूनर डिड, ये भी स्ट्रक्चर सही है, नो सूनर हैड से बनने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी रिकग्नाइज किया जाता है और नो सूनर डज से बनने वाले सेंटेंस को भी रिकग्नाइज किया जाता है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि इसके साथ में सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हम देन लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, चलिए अब अगला सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा टिल है। टिल से हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंस हमारा बनता है। टिल जब क्लास सबॉर्डिनेटिंग क्लास या सबॉर्डिनेट क्लास के प्रारंभ में आता है तो कैसे सेंटेंस बनता है इसको भी देख लिया जाए। इसको सेंटेंस के माध्यम से समझा जाए, टिल का शाब्दिक अर्थ होता है अप टू द टाइम व्हेन। हम देखते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से, डोंट leave the place till I come back। मेरे वापस आने तक स्थान को मत छोड़ना। डोंट लीव द प्लेस, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट हमारा यू छुपा हुआ है। हमें पता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट यू वो छुपा रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लास नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है,
तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये अंडरस्टूड है तो सब्जेक्ट हो गया, हमारे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, लीव हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यू कह सकते हैं ये हमारा इधर सब्जेक्ट था यू, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लास है। अब हम देखते हैं कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में हम टिल देख रहे हैं, और इसके बाद में हमको इसमें भी क्या मिल रहा है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिल रहा है। इसका मतलब होगा कि मेरे वापस आने तक तुम स्थान मत छोड़ना। हम देख क्या रहे हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लास हमारा कैसा रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन यदि टिल से जुड़ा हुआ है तो ये भी हमारा कैसा रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। दोनों क्लासेस आपकी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहेंगे, प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, ही ओंट, ओंट मतलब विल नॉट, आप लोग जानते ही हैं, ही ओंट गो बैक टिल इट इज फाइव, वो 5 बजने तक नहीं जाएगा। टिल इट इज फाइव का मतलब हो जाएगा 5 o'clock हो जाएगा। ही वोंट गो बैक, वह वापस नहीं जाएगा टिल इट इज फाइव, वो 5 बजने तक वापस नहीं जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सबॉर्डिनेट क्लास हो गया। ये हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये कर क्या रहा है, इस सेंटेंस में गो को मॉडिफाई कौन कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा एडवर्ब क्लास हो जाएगा। ठीक, और सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से लेकर के ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, लीव को मॉडिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे टिल किसको मॉडिफाई कर रहा है, गो बैक को मॉडिफाई कर रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि टिल के साथ में ये दो क्लासेस जुड़ रहे हैं, तो इसके साथ में हम देखते हैं कि ये टिल के पहले वाला, यूँ कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल क्लास हमारा फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर में है, तो इसके बाद में आने वाला जो क्लास होगा वो भी हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में नहीं होगा, या सिंपल प्रेजेंट में होगा। इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, शायद क्लियर हो जाए, और नहीं क्लियर होगा तो कोई बात नहीं है, जब हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे फिर से समझा जाएगा, अभी तो प्योर क्लास चल रहा है। चलिए, अब एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है हमारा अंटिल, इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, कैसे ये एडवर्ब क्लास के पहले आ करके क्लास का निर्माण करता है, देखते हैं। जैसे कहा जाए, सी विल नॉट कुक फूड अंटिल आई रीच होम। यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूंगा कि रीच के बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, वैसे भी होम के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, एट होम का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे को के संदर्भ में हमें टू का प्रयोग करना रहता है, हम होम के पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते, या किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तब हम टू का प्रयोग कर सकते हैं गो के बाद में। देखते हैं, सी विल नॉट कुक फूड अंटिल आई रीच होम, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, और ये हमारा कहाँ क्या है, सबॉर्डिनेट क्लास है, और सबॉर्डिनेट क्लास में कैसा क्लास है, ये हमारा एडवर्ब क्लास है। क्यों एडवर्ब क्लास है, क्योंकि यहाँ पे कुक को मॉडिफाई कौन कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ड्स कर रहा है। ये काम कब होगा, जब ये काम होगा, कहने का मतलब ये पूरा जो काम होगा तो ये काम होगा, तो ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसलिए हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, अंटिल के साथ में भी ये प्रिंसिपल क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास जुड़े हुए हैं, तो ध्यान देना है कि ये इसके पहले हमें फ्यूचर टेंस मिल रहा है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है, तो इसके बाद में आने वाला जो टेंस होता है वो कैसा होगा, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहा जाए, दे डोंट दे डोंट
make a noise until Rohan enter the class. Enter the classroom. वे तब तक शोर नहीं मचाते हैं जब तक रोहन क्लासरूम में प्रवेश नहीं करता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सबॉर्डिनेट क्लास है। अब सबॉर्डिनेट क्लास को क्लियर करना है कि ये सबॉर्डिनेट क्लास क्यों होगा, क्योंकि जो ये काम हो रहा है, मेक अ नॉइज वाला काम हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब रोहन प्रवेश करता है तो। तब वो कहने का अर्थ ये है कि इस वर्ब को मेक को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए इस क्लास को यदि संज्ञा दी जाएगी तो कौन सी संज्ञा दी जाएगी, एडवर्ब क्लास की संज्ञा दी जाएगी, और ये पहला वाला हमारा जो है प्रिंसिपल क्लास है। एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अनटिल के बाद में किसी भी कंडीशन में, यहाँ पे इंटर्स का प्रयोग हो, सॉरी, किसी भी कंडीशन में हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि सेंटेंस में ऐसा आ जाए दे डू नॉट मेक अ नॉइस अनटिल डज नॉट एंटर द क्लास, तो यदि हम यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग कर दें, डजेंट का प्रयोग कर दें और यस का प्रयोग हटा दें, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि अनटिल अपने आप में निगेटिव सेंस देने वाला वर्ड होता है, इसलिए उस क्लास में आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिसमें अनटिल का प्रयोग हुआ हो, और यहाँ पे भी हम डोंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं जिसे आप लोग जानते नहीं हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और एक चीज़ है कि अनटिल के पहले मैक्सिमम जो सेंटेंसेस आते हैं वो कैसे रहते हैं, निगेटिव में रहते हैं, असर्टिव में रहते हैं, लेकिन वो निगेटिव में रहते हैं। चलिए, एडवर्ब क्लास सो लॉन्ग ऐसे भी बनता है, उसको भी देख लें। सो लॉन्ग एस, इसका शब्द शाब्दिक अर्थ होता है कि जब तक, जैसे कहा जाए आई के साथ में विल, जब असर्शन का भाव देना रहता है तो आई के साथ में विल का प्रयोग होता है। I will study so long as my parents afford my expenditure. यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि आई विल स्टडी, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लास हो गया। मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे एक्सपेंडिचर को अफोर्ड करेंगे, सहन करेंगे या वहन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सबॉर्डिनेट क्लास हो गया। अब ये कैसा सबॉर्डिनेट क्लास है, ये डिपेंड करता है कि देखें कि प्रिंसिपल क्लास में ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है किसी को मॉडिफाई कर रहा है। हम देख क्या रहे हैं कि तब तक पढ़ेंगे, कब तक, जब तक मेरे पेरेंट्स हमारे एक्सपेंडिचर को वहन करेंगे। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जब तक काम चलेगा ये काम चलता रहेगा। इस वर्ड को ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मॉडिफाई कर रहे हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब क्लास हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लें, ऐसे सेंटेंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे he stayed at home so long as
His mother allowed him. वो तब तक घर पर रहा जब तक उसकी माता उसको अलाउ की थी, और उसके बाद वो निकल गया होगा, वो तो अलग की बात है। He stayed at home. ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, so long as his mother allowed him. जब तक उसकी माता उसको अनुमति दी थी तब तक वो घर पर रहा। हम देख क्या रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लास हो जाएगा, और सबॉर्डिनेट क्लास कैसा सबॉर्डिनेट क्लास है इसको हमें देखना है कि ये वाला काम कब तक हुआ है, जब तक मदर ने अलाउ उसको किया था। कहने का अर्थ यहाँ से लेकर कि यहाँ तक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लास में कैसा क्लास है, ये हमारा एडवर्ब क्लास है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अब आपका ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम खत्म हो गया है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। देख लें इसको, एक चीज और देख ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे सो लॉन्ग एज के पहले जो प्रिंसिपल क्लास आया है ये हमारा कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसके बाद में आने वाला जो भी क्लास रहेगा वो पास्ट में ही रहेगा। और पहले वाले सेंटेंस में हम ये देख लेते हैं कि सो लॉन्ग एज कि पहले आने वाला जो क्लास है ये हमारा फ्यूचर में है, तो इसके बाद में आने वाला जो क्लास होगा वो मोस्टली किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, इसका जिक्र अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग एक लंबा सा ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।